वो जिसमें ड्रेसिंग सेंस भी है, प्रेजेंटेशन सेंस भी है, और जो खड़ा होता है तो इतने बात इतने सलीके से खड़ा होता है कि उसे ये पता होता है आगे से लेकर पीछे तक कौन श्रोता क्या सोच रहा है और किसे क्या सुनना चाहिए। आइए ऐसे बड़े कवि, बड़े संचालक, बड़े वीररस के कवि, हिंदुस्तान के उस बड़े कवि का नाम लेती हूँ जिनका नाम होता है श्री शशिकांत यादव जी। एक बार जोरदार तालियां हो। शशिकांत यादव जी आए, मैं कहती हूँ कि जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमीन आसमान से, आपकी तालियां घनघोर होनी चाहिए ताकि वो कवि आप तक पहुंच सके। कि जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमीन आसमान से, और अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी में चट्टान से। एक बार जोरदार तालियां हो शशिकांत। बस यहाँ से कविता की यात्रा शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मात्र भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बल देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे। आज आजादी के पर्व के दिन हम उन सैनिकों को क्या दे सकते हैं? बहन जी ने कार्ड में एक पंक्ति लिखी, मैं पढ़ के चमत्कृत हो गया। उन्होंने कहा, एक कवि सम्मेलन पुलिस प्रशासन और प्रेस के लोगों को समर्पित है। खाकी वर्दी के हमारे कुछ वर्दीदारी यहाँ बैठे हैं, लेकिन उन वर्दी की भी चिंता करें जो सीमा पर खड़ी है। मैं चार पंक्ति आज के दिन पढ़ता हूँ। कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, शौर्य वाली राह आज आपने दिखाई है। कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, शौर्य वाली राह आज आपने दिखाई है। राष्ट्रभक्ति के तराने रच सब कवि गान, भूल जाओ गीत गजल इश्क में रुबाई है। वो परीक्षा नहीं नहीं गिराओ पर मारो, देश से बड़ा ना खुदा खुदा की खुदाई है। और अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, खून देने के लिए तैयार तरुणाई है। अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ। 5 अगस्त के दिन जब लोकसभा ने निर्णय किया तो आपको कैसा लगा? मैं आपके मनोभाव पढ़कर देश की सरकार को बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इस निर्णय के आधार में जो एक बड़ा व्यक्ति है, जो 16 अगस्त के दिन पिछले साल हमने खो दिया, मैं उन्हें भी याद करना चाहता हूँ। चार पंक्ति आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। कि फिर से जगाया स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। कि फिर से जगाया स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। चारों ओर छाया घटा घोप अंधियारा, राष्ट्र चेतना की ज्योत को जलाने की बधाई है। ओ शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में तिखिल उठी, आपको पटेल वाली छवि पे बधाई है। ओ भारत अटल था अटल ही रहेगा सदा। कि भारत, चलिए चौथी पंक्ति पर जरा उन्हें याद करें तो उन्हें लगना चाहिए कि कानपुर के लोग उन्हें याद कर रहे हैं, जिस कानपुर में उन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल आपके बीच बिताया। कि फिर से जगाया स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। चारों ओर छटक चारों ओर छाया घटक हो अंधियारा, राष्ट्र चेतना की ज्योत को जलाने की बधाई है। वो शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में तिखिल उठी, आपको पटेल वाली छवि पे बधाई है। वो भारत अटल था अटल ही रहेगा सदा। मोदी जी को कश्मीर अटल की बधाई है। भारत अटल था अटल ही रहेगा सदा। भारत अटल था अटल ही रहेगा सदा। मोदी जी को कश्मीर अटल की। आपसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, अभी पेमेंट फंसा हुआ है। कि भारत अटल था अटल ही। और चार पंक्तियां सुनिए। घोषणा के बाद जिस तरह की आवाजें देश के अंदर और बाहर से आई, गौरव ने नाम ले लेकर कविता पढ़ी, पवार जी ने सिखाया हमको कि बेटा कोशिश करना कि इनडायरेक्टली कोई बात कह दो। मैं इनडायरेक्टली एक चेतावनी पढ़ रहा हूं, मैं केवल कानपुर की सहमति जाता हूं। कानपुर के तेवर हम कवियों को भी ऊर्जा देते हैं देशभक्ति की कविता लिखने के लिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि 47 में गलतियां पूर्वजों से हो चुकी थी, कि 47 में गलतियां पूर्वजों से हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। कि 47 में गलतियां पूर्वजों से हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। और दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे।
जाएंगे जी शोक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। ओ सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। ओ लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। तो सावन बरस जाए रक्त की बुछार, कहीं दिग्गजों को छोड़ के दिशाएं ढोलना पड़े। कि सावन बरस जाए रक्त की बुछार, कहीं दिग्गजों को छोड़ के दिशाएं ढोलना पड़े। रुधिर की बाढ़ आए सारा पाक डूब जाए, चंडिका को चाहे रुंड माल तोलना पड़े। वो मानचित्र पे न कहीं नाम हो आतंकियों का, शिव को भले अपने खोलना पड़े। और सबक सिखा दो उग्रवादियों के बाप को भी, वंदे मातरम जय हिंद बोलना पड़े। सबक सिखा दो उग्रवादियों के बाप को भी। चार पंक्तियां फिर चेतावनी की पढ़ता हूँ। कल 14 अगस्त को हमारा पड़ोसी देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त को हम आजादी मनाते हैं। लेकिन अगर उनकी भाषा जिस तरह की वो बोल रहे हैं वो भाषा है, तो फिर मैं डॉक्टर साहब के चरणों में खड़े होकर हरिओम पवार जी से ऊर्जा लेकर कानपुर की क्रांतिकारी धरा पर, जहां पर क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है, मैं चार पंक्तियां चेतावनी की पढ़ता हूं। कि हमने माना छोटा भाई, लेकिन तुम निकले कसाई, तुम्हारे व्यवहार से समझ हमें आता है। डपली अलगाओ की तू चाहे जितनी बजा ले, तेरी हर राग गुनगुनाना हमें आता है। और दोस्ती अगर किसी से करी है भारत ने, दोस्ती अगर किसी से करी है भारत ने, प्राणों को लुटा के भी निभाना हमें आता है। और प्रेम भाईचारे की जो भाषा से परहेज करे, लात जूतों से भी समझाना हमें आता है। प्रेम भाईचारे की जो भाषा से परहेज करे, लात जूतों से भी समझाना हमें, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। 5 तारीख को निर्णय हुआ तो फेसबुक पर कुछ हास्यास्पद टिप्पणियां आई। डॉक्टर हरिओम पवार जी की कश्मीर वाली कविता सबसे पहले वायरल हुई, हर मोबाइल में पहुंची, आप तक भी पहुंची होगी। हमारे मंच की वाचिक परंपरा के जो कुछ जोकरों ने फेसबुक पर टिप्पणी करी कि कश्मीर में धारा हट गई, अब तो वीरस के कवि बेरोजगार हो जाएंगे। मैंने जवाब दिया है कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान तेली पल्ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और मैंने 10-15 साल पहले ये पंक्तियां लिखी थी, आज आपको सुना रहा हूँ। सच हो तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गौरव ने बहुत सारे प्रतीक आपको बताए, मैं केवल एक पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। कि अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। अटल जी सरहद है, कवि आदमी थे, तो आगरा बुला लिया था देखने के लिए। हमने तभी अटल जी से कहा था कि अटल जी जैसा आप समझ रहे वैसा है नहीं ये, इसको आगरा का ताजमहल मत दिखाओ, इसको आगरा का पागल खाना दिखाओ, और 440 वॉट के नंगे तार हाथ में पकड़ाओ, ये तो क्या इसके अब्बू साइन करेंगे। लेकिन अटल जी अपने तरीके से काम करते थे, अब सरकारें बदल गई, अब मोटा भाई आ गए, मोटा भाई का भरोसा नहीं कल कहां सरकार बना दे। कि अभी आगरा देखा तुमने, अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं, ताज सुंदरता को देखा, देखा खुद का कोड़ नहीं। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। अब की भूले बिसरे पुरखे याद दिलाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और लश्करे तोयबा
हिजबुल हुर्रियत और सुन ले हाजी मस्तान। आतंकवादियों ने समझ लिया था कि शायद इस देश का कोई बचाने वाला नहीं है। एक गृह मंत्री ने केवल शपथ ली तो कईयों के पेट में खलबली पैदा हो गई कि ये कुछ कर देगा, और उसने कर दिया 15-20 दिन में। अब मैं इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाए तो मैं कानपुर के लोगों की तालियां चाहता हूं कि लश्करे तोयबा, हिजबुल हुर्रियत और सुन ले हाजी मस्तान, सीमी बिन लादेन समझ ले, और समझ ले तालिबान, भारत की संस्कृति सनातन कोई मिटाना पाएगा, दुश्मन कर्मों से कुर्बानी और सूली चढ़ जाएगा। ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे जब हाथों हथियार उठा लेंगे फिर भारत क्या पूरी दुनिया पर झंडा फहरा दे। तो एक ही संकल्प करिए आजादी के पर्व के दिन की, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिमसे ऊंचा कर दो, राष्ट्रभक्ति के अमित रंग से मिट्टी का कंकण रंग दो, वंदे मातरम जय हिंद से दशो दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्रभक्ति में झूम उठे, एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत, सवा अरब सब मिलकर सोचे, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार।